हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे मस्त होंगे जबरदस्त होंगे मेरा नाम है सोमेश और आपका स्वागत है आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम जिसका नाम है द लेबर टॉप और इसको लिखा है टेड ह्यूज जी ने ये बहुत ही बेहतरीन पोएम है जिसमें एक पेड़ होता है अमलतास का उसी को यहाँ पे लेबरनम टॉप बोला गया है यानी उस अमल तास के पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से को टॉप बोलते हैं ना जैसे कोई भी पेड़ होता है उसका जो आ, सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम लोग टॉप बोलते हैं तो जो लेबरनम ट्री है उसके सबसे ऊपरी हिस्से के बारे में बात की जा रही है और इस पोएम में एक छोटी सी एक पक्षी है जो आती है और ये जो पेड़ होता है पतझड़ के महीने की बात यहाँ पे हो रही है कि पेड़ एकदम उबाऊ सा रहता है नीरस सा रहता है बेजान सा रहता है और जब वो पक्षी आती है तो कैसे उसके साथ ही साथ जैसे ही वो पक्षी आती है ये पेड़ फिर से अपने आप को हरा भरा महसूस करने लगता है वहां पे फिर से जीवन का संचार होने लगता है और फिर तीसरा फेज आता है जब वो पक्षी वापस से उड़ करके चली जाती है और ये पेड़ फिर से वैसा ही उबाऊ हो जाता है फिर से वैसा ही नीरस हो जाता है तो ये बहुत ही बेहतरीन पोयम है एकदम अच्छे से डिटेल्स में हम इसे समझेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक्सप्लेनेशन भी इस क्लास में आपको मिलेगा और सेंट्रल आइडिया भी आपको बताया जाएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो भी करवाए जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस बेहतरीन चैप्टर को तो इसको लिखा है टेड्यू जी जिन्हें आप इनको देख सकते हैं द लेबरनम टॉप लेबर्नम का मतलब होता है अमलतास और अमलतास का पेड़ कैसा होता है ये आप इस फोटो में देख सकते हैं इसकी जो पत्तियां होती हैं इसके जो फूल होते हैं वो येलो कलर के होते हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं अपनी इस पोएम को द लेबरनम टॉप इज साइलेंट यानी कि अमल तास का ये जो पेड़ था इसका जो टॉप है यानी कि इसका जो ऊपरी भाग है वो कैसा है इस पूरे पेड़ की बात हो रही है लेकिन जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि वो ऊपरी हिस्सा कैसा है वो एकदम शांत है चुप है साइलेंट है क्वाइट यानी कि वो शांत है और वो बिल्कुल स्थिर है क्यों क्योंकि पतझड़ का मौसम है और पतझड़ के मौसम में क्या होते हैं पेड़ एकदम शांत से दिखते हैं उनकी पत्तियां धीरे धीरे गिरने लगती हैं पेड़ जो है वो ऐसा लगता है कि मानो सूख रहा हो तो इन्हीं सारी चीजों को यहाँ बताया गया है इन आफ्टरनून दोपहर की बात हो रही है एलो सितंबर सनलाइट और जो सितंबर की एलो सनलाइट है यानी कि जो पीली धूप है वो आ रही थी यानी कि सितंबर के महीने की बात हो रही है और दोपहर का समय है और जो सूर्य है उसकी जो रोशनी है यानी कि जो धूप है सनलाइट है जो प्रकाश है वो प्रकाश कैसा है तो पीली धूप है तो यहाँ पे पहला एलो यूज हुआ है जो कि धूप को रिप्रेजेंट कर रहा है पहला जो एलो यूज हो रहा है वो धूप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो धूप है वो इस पर पड़ रहा है पीला धूप पड़ रहा है और जो अमलतास का पेड़ है वो भी कैसा होता है वो भी पीला ही होता है ठीक है तो एक तो अमलतास का पेड़ हो गया जो कि पीला होता है दूसरा यहाँ पे क्या है जो धूप है है ना धूप भी आ रही है दोपहर की धूप है तो धूप भी कैसी है धूप भी पीली है और फ्यू लीव्स एलोइंग और कुछ पत्तियां जो है वो पीली पड़ रही है तो यहाँ पे तीसरा एलो यूज किया गया है है ना यानी कि ये क्या हो रहा है कुछ पत्तियां जो है उसकी वो पीली पड़ रही है सूख रही है ऑल इट्स फॉलन और इसके जो सारे बीज हैं वो क्या हो रहे हैं वो गिर गए हैं वो झड़ गए हैं क्योंकि पतझड़ का मौसम है और ये बात कब की है ये बात तब की है जब जो है वो पक्षी अभी नहीं आया है ठीक है जी तो ये आप समझ गए होंगे टिल द गोल्ड फिंच कम यानी कि जब तक ही गोल्ड फिंच नहीं आती ठीक है अब गोल्ड फिंच के आने के बाद की बात हो रही है कि वो कैसे आती है और इस पेड़ को कैसे वो चेंज कर देती है इस पेड़ में कैसे वो रंग भर देती है कैसे ये बेजान सा जो अभी तक ये पेड़ था ये कैसे खुशहाल सा जीवंत सा प्रतीत होने लगता है टिल द गोल्ड फिंच कम्स ट्विचिंग चौक ट्वीचिंग का मतलब होता है फड़फड़ाते हुए झटके के साथ तो जब तक कि जो हमारी गोल्ड फिंच है गोल्ड फिंच क्या है एक बर्ड है छोटी सी है ना ये आप देख सकते हैं येलो कलर की होती है और इसके चेहरे पर ब्लैक कलर की पट्टियां होती हैं धारियां होती हैं स्ट्रिप्स होते हैं ठीक है तो ये आपकी गोल्ड फिंच जो बर्ड है वो है उसकी फोटो है और ये अमल ताश के पेड़ पर आती है विद अ ट्विचिंग चौक ट्विचिंग का मतलब होता है झटके के साथ है ना जो पंख उसके हैं वो क्या है वो झटके के साथ चर्प करते हुए यानी चींची की आवाज करते हुए चींची की आवाज करते हुए वो आती है ठीक है जी चहकते हुए आती है ठीक है यानी कि एक विचित्र सा माहौल बन जाता है है ना एक विचित्र से माहौल में वो आती है ठीक है सनसनी या चौंकने के साथ ठीक है वो हो जाता है स्टार्टलमेंट आई स्टार्टलमेंट आई स्टार्टलमेंट मतलब होता है चौकना या अचरज या अचंभा एक अचंभे के साथ वो आती है एक स्ट्रेंजनेस के साथ है ना एक विचित्र वाले माहौल के साथ वो आती है एक अचंभा के साथ वो आती है ठीक है एट अ ब्रांच इंड यानी शाखा के अंतिम छोर पर ब्रांच इंड का मतलब शाखा के अंतिम छोर पर जैसे ये वृक्ष है और ये इसकी एक शाखा है एक डाल है तो इसका जो अंतिम छोर है वो वहां पर आती है ठीक है देन स्लीक एज लिज़ार्ड फिर वो सफाई के साथ जैसे कि छिपकली होती है लिजार्ड होती है है ना जैसे कि छिपकली होती है लिजार्ड होती है वो उसी के साथ एकदम सफाई के साथ वो आती है यानी कि छिपकली कैसे दीवारों पर चलती है धीरे धीरे सफाई के साथ है ना वैसे ही यहाँ पे एकदम सफाई के साथ एकदम चिकनाई के साथ एकदम एक सफाई के साथ वो यहाँ पर आती है एंड अलर्ट और चौकन्नी होकर के आती है एंड एब्रप्ट और अचानक से आती है ठीक है अचानक से आती है आकस्मिक आती है कैसे एकदम शांति के साथ एकदम सफाई के साथ जैसे छिपकली आती है वैसे ही और एकदम चौकन्नी हो करके, एकदम चौकन्नी हो, हो करके। शी इंटर्स द थिकनेस और वो थिकनेस में इंटर करती है प्रवेश करती है थिकनेस का मतलब यानी कि वो ब्रांच एंड पे यानी कि वो शाखा के अंत में यहां पर बैठी थी अब वो इधर आ रही है जहां क्या है जहाँ पेड़ जो पेड़ था है ना जो पेड़ था उसका जो घना झुरमुट था ठीक है जो घना भाग था घना हिस्सा था जो झुरमुट था वो उसकी ओर आती है और संभवतः जो घना हिस्सा है ये जो थिकनेस है ये क्या है ये उसका घोसला है तो वो अपने घोसले की तरफ आगे बढ़ रही होती है एंड मशीन स्टार्ट सब और एक मशीन जो है वो शुरू हो जाता है चालू हो जाता है अब ये मशीन क्या है आगे देखते हैं ऑफ चिटरिंग्स यानी कि ची ची की आवाज वाला ची ची की आवाज वाला एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स और जो विंग्स हैं है ना विंग्स मतलब कि पंख जो विंग्स हैं यानी कि पंख उनका उनकी जो फड़फड़ाहट हाँ, है ट्रेमर है ट्रेमर का मतलब फड़फड़ाहट हाँ। तो जो पंख हैं वो क्या है उनकी फड़फड़ाहट हाँ की आवाज आने लगती है ची ची की आवाज आने लगती है एंड ट्रिलिंग्स और क्या है और स्वर कंपन होने लगता है जो फड़फड़ाने की आवाज है पक्षियों के और ये पक्षी कौन है ये कौन ये सब आवाज कर रहा है ये घोसले में जो हमारी बर्ड है जो गोल्ड फिंच है उसके जो बच्चे हैं जो इस पक्षी के बच्चे हैं ये वो हैं जो चीची की आवाज कर रहे हैं जैसे ही इन्होंने अपनी माता जी को देखा कि वो आ रही हैं, तो वो हमारे खुशी के एक्साइटमेंट में वो चींची की आवाज कर रहे हैं अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं और उससे क्या होता है एक स्वर कंपन जो है वो उत्पन्न होता है ट्रिलिंग्स का मतलब होता है स्वर कंपन है ना कि क्या होता है भैया स्वर कंपन ठीक है जी तो स्वर कंपन होने लगता है फड़फड़ाहट की आवाज से और चींची की आवाज से यानी कि वो गूंजने लगता है वो आवाज जो होती है वो गूंजने लगती है द होल ट्री ट्रेम्बल्स और जो पूरा का पूरा वृक्ष है अमलतास का ठीक है वो क्या होने लगता है ट्रेम्बल्स वो कांपने लगता है एंड थ्रिल्स और वो गूंजने लगता है पने लगता है और गूंजने लगता है जो अब तक के क्या था बिल्कुल शांत और स्थिर था अभी तक क्या आपने देखा था कि वो पेड़ एकदम शांत और स्थिर था लेकिन जैसे ही ये पक्षी आती है गोल्डफिश आती है वो पेड़ कैसा हो जाता है वो गूंजने लगता है वो कांपने लगता है इट इज द इंजन ऑफ आर फैमिली और ये जो पेड़ है वो इंजन है वो इंजन है इनके परिवार का इट इज द इंजन ऑफ फैमिली है ना जो पक्षी है गोल्ड फिंच है उसका जो परिवार है उसका ये इंजन है ये जो पेड़ है वो इंजन है और ये जो मशीन है जो स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे क्या है इनकी जो बच्चे है, जो बच्चे हैं घोंसले में हैं है ना तो वहां से आवाज आती है तो यहाँ पे जो मशीन है वो उन घोंसलों के बारे में बताया जा रहा है कि जो घोंसला है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो मशीन है वहां से आवाज शुरू हो जाती है मशीन चालू हो जाती है चींची की आवाज करते हुए यानी घोंसले से ची ची की आवाज करते हुए चालू हो जाती है और यहाँ पे जो पेड़ है उसको इंजन कहा गया है कि जो पेड़ है है ना वो क्या है इन वो इंजन है इनके परिवार के लिए यानी कि जो हमारी गोल्ड फिंच बर्ड है उसके परिवार के लिए शी इट फुल स्टोक्स का मतलब होता है ईंधन और वो इन्हें क्या है पूरा का पूरा ईंधन देती है फुल कर देती है एकदम है ना यानी कि वो इनको खाना खिलाती है भरपूर जितना वो खिला सकती है और इनको वो खाना खिलाती है आउट टू एंड फिर वो अचानक से क्या करती है बाहर आने लगती है फिर वो अचानक से बाहर आने लगती है टू अ ब्रांच इंड फिर से शाखा की ओर ब्रांच इंड है ना यानी कि वो यहाँ पे घोसले के पास आई थी और फिर यहाँ से वो वापस जाने लगती है अचानक से शाखा के अंत की ओर शोविंग हर फेस अपना धारीदार जो चेहरा था उसको दिखाते हुए आइडेंटिटी मास्क जो कि उसके लिए क्या है उसकी पहचान वाला वो हिस्सा है आइडेंटिटी मास्क है यानी पहचान वाला मास्क है मास्क का मतलब नकाब है ना तो उसकी पहचान का वो नकाब है जो उसका फेस है जो कि क्या है जो कि धारीदार है ठीक है धारीदार है जी हाँ तो उसकी पहचान का हिस्सा तो वो अपना धारीदार चेहरा दिखाते हुए बाहर आती है ठीक है जो कि उसकी आइडेंटिटी है जो कि उसका पहचान है ठीक है जी और वो ऐसा लगता है जो धारियां हैं वो ऐसा लगता है कि वो कोई मास्क लगा करके आई है उसने हमेशा मास्क लगाए हुए होते हैं ऐसे उसके जो बाल होते हैं जो उसके फेस का कलर होता है वो ऐसा होता है ये आपके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं इनको आप देख लेंगे ठीक है जी देन विद एरी डेलीकेट विसल और फिर क्या होता है फिर एक अजीब सा फिर एक अजीब सा एरी का मतलब क्या होता है अजीब सा ठीक है फिर एक अजीब सा विचित्र सा डेलीकेट मतलब कुमार होता है यानी कि एकदम नाजुक तरीके से फिर वो नाजुक तरीके से क्या विसल चर यानी कि वो सीटी बजाते हुए चींची की आवाज करते हुए विस्परिंग्स, यानी यानी कि कि विस्पर करते हुए, धीरे धीरे फुसफुसाते हुए शी लॉन्चेस अवे और वो उड़ जाती है वो उड़ जाती है टू वर्स द इनफाइनाइट यानी कि वो इनफाइनाइट की ओर अनंत की ओर उड़ जाती है इनफनाइट यानी कि अनंत कौन है आकाश है आकाश बहुत विशाल है तो यहाँ पे बताया गया है कि वो बच्चों को खाना जब खिला देती है तो उसके बाद में वो धीरे धीरे चींची की आवाज करते हुए वापस से अनंत की ओर वो उड़ जाती है यानी आकाश की ओर वो उड़ जाती है एंड द लेबरनम और जो हमारा अमल का पेड़ है सबसाइड्स टू इम्पटी और वो फिर से क्या हो जाता है वो फिर से पहले की तरह शांत हो जाता है सबसाइड्स टू इम्पटी का मतलब वो पहले की तरह फिर से शांत हो जाता है तो ये थी आपकी पोएम इसमें तीन फेज बताए गए पहला जब जो पेड़ है वो पहले कैसा था पहले एकदम शांत और एकदम स्थिर था फिर जब गोल्ड फिंच बर्ड आती है पक्षी आती है तब वो पेड़ कैसा हो जाता है तो उसके अंदर जीवन का संचार हो जाता है ऊर्जा का संचार हो जाता है पक्षी जैसे ही आते हैं पक्षी के जो बच्चे होते हैं वो आवाज करते हैं पंख फड़फड़ाते हैं और उससे जो पूरा पेड़ जो अब तक शांत और स्थिर था ये कांपने लगता है ये गूंजने लगता है और ऐसा लगता है कि पेड़ में फिर से प्राण आ गए हैं पेड़ फिर से जीवंत हो उठा है और जो तीसरा फेज है वापस से ये जो गोल्ड फिंच पक्षी होती है ये वापस से उड़ जाती है अनंत की ओर और जो पेड़ है वो फिर से वापस से अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ जाता है और फिर से वो शांत हो जाता है फिर से वो स्थिर हो जाता है तो ये थी आपकी एक्सप्लेनेशन ये थी आपकी बेहतरीन पोएम अब हम आगे बढ़ते हैं सेंट्रल आइडिया की ओर सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम पोएम लेबर टॉप इज अफुल खूबसूरत सिंबल ऑफ लाइफ एंड इट्स फ्लक्चुएशन जिसमें पोएट ने यानी कि कवि ने प्रयोग किया है लेबर्नम ट्री को और गोल्ड फिंच प्रयोग किया है उसने लेबर्नम ट्री को जीवन और यानी कि लेबरनम ट्री और जो पक्षी है हमारा गोल्ड फिंच उसको क्या उसको जीवन और इस जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं उनके रूप में प्रस्तुत किया है जैसे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं कभी हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो कभी फिर से शांत हो जाते हैं है ना जैसे हमारे जीवन में कोई स्पेशल व्यक्ति आता है कोई स्पेशल घटना होती है तो कैसे हमारा जीवन एकदम अगर शांत रहता है तो कैसे उथल पुथल मच जाता है और अगर वो व्यक्ति दूर हो जाता है या वो घटना है ना कोई इवेंट है कोई चीज है कोई घटना हुई है और वो जब खत्म हो जाती है समाप्त हो जाती है तो कैसे हम वापस से फिर से फिर शांत हो जाते हैं जैसा हमारा जीवन है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं वैसे ही इस पोएम में है ठीक है तो इसमें वही बताया गया है कि कैसे हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं तो गोल्ड फिंच जो बर्ड है पक्षी है और जो अमलतास का पेड़ है लेबरनम ट्री है तो उनके बीच में भी ऐसा ही रिश्ता रहता है तो ये मनुष्य के जीवन का वो हिस्सा दिखाया गया है कि कैसे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं इन दिस पोयम इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द विजिट ऑफ अ गोल्ड फिंच कि कैसे एक गोल्ड फिंच जो पक्षी है उसका आना चेंजेस द लेबर्नम ट्री कि कैसे उसका आना जो अमलतास का पेड़ है उसको बदल दे देता है ना उसमें कैसे बदलाव ला देता है जो पेड़ पहले एकदम शांत और स्थिर होता है फिर एक पक्षी के आ जाने से वो फिर से जीवंत उठता है यही यहाँ पे बताया गया है the transforms the tree, और जो गोल्ड फिंच है जो पक्षी है वो इस पेड़ को परिवर्तित कर देती है एंड मेक्स इट कम अलाइव और ये वापस से इसको जिंदा कर देती है जीवंत कर देती है एज दी chicks ऑफ द गोल्ड फिंच स्टार्ट टू रसल एंड चर्प और जैसे उसके जो बच्चे होते हैं वो क्या है वो शोर करना और चींची का आवाज करना शुरू कर देते हैं अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं ऑन हर जब वो अपनी माता को देखते हैं तो वो कैसे अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं चींची की आवाज निकालते हैं शोरगुल करते हैं तो ये पूरा पेड़ जो है जो अभी तक निर्जीव लग रहा था है ना वो क्या है वो ऐसा लगता है कि इसमें प्राण आ गया है और ये फिर से जीवंत हो उठा है वंस द गोल्ड फिंच लीव्स द ट्री और जब गोल्ड फिंच उस पेड़ को छोड़ देता है अमलतास के पेड़ को छोड़ देता है और अनंत आकाश की ओर उड़ जाता है इट बिकम्स क्वाइट एंड स्टिल अगेन तो ये वापस से शांत और स्थिर हो जाता है द लेबरनम ट्री सिंबलाइजेज द पैटर्न ऑफ अवर लाइफ और ये जो अमलतास का पेड़ है ये हमारे जीवन के पैटर्न को दर्शाता है कि कैसे हमारा जो जीवन है है ना उसका जो पैटर्न है उसका जो प्रारूप है उसका उसकी जो प्रक्रिया है कि कैसे कभी कभी हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं है ना कभी कभी हमारे जीवन में एकदम खालीपन आ जाता है और कभी किसी के आ जाने से हमारा जीवन एकदम जीवंत हो उठता है हम बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और हम एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं और फिर जब वो इंसान चला जाता है तो हम वापस से फिर से दुखी हो जाते हैं वही चीज यहाँ पर तो बताई गई है विच इज यूजली डल एंड इनिमेट जो कि हमारा जीवन कैसे होता है यूजली उबाऊ डल का मतलब क्या होता है उबाऊ इनानीमेट का मतलब होता है निर्जीव कि हमारा जीवन कैसे उबाऊ और निर्जीव रहता है सामान्य जो जीवन है है ना तो वैसे ही इसमें लेबरनम टॉप को भी दिखाया गया है द द गोल्ड फिंच ब्रेक्स यूजल पैटर्न और जो गोल्ड फिंच पक्षी है वो इस यूजल पैटर्न को जो सामान्य हमारी प्रक्रिया है उसको क्या करता है उसको तोड़ता है ब्रेक करता है एंड मेक्स इट लिवली और ये इसको वापस से जिंदा दिल बना देता है एकदम वापस से जीवंत बना देता है विदाउट द गोल्ड फिंच और गोल्ड फिंच के बिना द लेबर्नम ट्री इज जस्ट लाइक अनदर ट्री इस गोल्ड फिंच पक्षी के बिना ये जो अमलताज का पेड़ है वो ठीक दूसरे पेड़ों के समान ही है इन अदर वर्ड्स और दूसरे शब्दों में इट इज दटीट्यूड ऑफ अ पर्सन ये किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है टूवर्ड्स लाइफ जीवन के प्रति किसी व्यक्ति का ये दृष्टिकोण होता है दैट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल जो कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है एंड वर्थ लिविंग और जीने के योग्य बनाता है ठीक है तो ये था आपका सेंट्रल आइडिया आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेंगे स्क्रीन शॉट ले लेंगे जी अब आते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की ओर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपको स्टैंजा दिया रहता है और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी स्टैंजा से ही पूछे जाते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है जरूरत नहीं है ठीक है आप आराम से इस को पढ़ेंगे समझेंगे और फिर हम इसके आंसर्स करेंगे द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन दफ्टरनून एलो फ्यू सेप्टेंबर एलोइंग ऑल इट सीड्स फॉल इन यहां पे लेबरनम टॉप के बारे में बताया गया है कि जो अमलताज के पेड़ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो कैसे है वो साइलेंट है वो एकदम शांत है चुप है क्वाइट स्टिल शांत और स्थिर है इन दफ्टरनून और दोपहर की बात हो रही है afternoon है, 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 और और सितंबर की जो 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 पीली पीली धूप वो 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 पड़ पड़ रही रही कुछ पत्तियां हैं, 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 इसके जो सारे बीज वो गिर चुके झड़ है, गए हैं पतझड़ के मौसम के कारण वाट लेबरनम टॉप मीनर लेबरनम टॉप का यहां पर क्या मतलब है तो लेबरनम टॉप का क्या मतलब है कि जो टॉप मोस्ट हिस्सा है लेबरनम ट्री का उसी को यहाँ पे लेबरनम टॉप कहा गया है लेबरनम टॉप मींस द टॉप पार्ट ऑफ द लेबरनम ट्री ठीक है व्हाट हैज हैपेंड टू द ट्री ट्री को क्या हुआ द पोएट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द लेबरनम ट्री इन द मंथ ऑफ सितंबर यानी सितंबर के महीने में इस पेड़ की जो स्थिति है उसको यहाँ पे बताया गया है इट इज द ऑटम सीजन ये पतझड़ का मौसम है एंड द लीव्स ऑफ द ट्री हैव टर्न येलो और पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं एंड आर फॉलिंग डाउन और गिर रही हैं इट्स सीड्स हैव आल्सो फॉलन और इसके जो बीज हैं वो भी गिर चुके हैं वो भी झड़ चुके हैं और ये हमने यहाँ पर देखा है इस स्टैंजा को देख करके हमने इतनी जानकारी पाई है और इन्हीं से हमको आंसर्स लिखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच इज एंटोनिम ऑफ नॉइजी यानी कि नॉइजी का आपको क्या है एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीत शब्द बताने हैं नॉइजी का मतलब होता है शोरगुल अब शोरगुल का विपरीत आपको बताना है तो आपने पोएम में पढ़ा है शोरगुल का विपरीत क्या यूज किया गया है साइलेंट यूज किया गया है साइलेंट आपने पढ़ा है जी हाँ तो साइलेंट क्या होगा साइलेंट होगा एंटोनिम ऑफ दी वर्ड नॉइजी एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड है ना अपोजिट वर्ड जी विच सीजन है तो कौन से सीजन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है तो ऑटम सीजन को डिस्क्राइब किया गया है यानी पतझड़ के मौसम को यहाँ पे बताया गया है टाइम ऑफ द डे हैज डेस्क्राइब इन द कि कौन से समय दिन के कौन से समय पे बात हो रही है तो भैया ये क्या है द आफ्टरनून टाइम ऑफ द सेबर मंथ हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम यानी कि दोपहर का समय है और सेप्टेंबर की दोपहर का समय है जिसके बारे में इस पोएम में बताया गया है तो आप लोग इसका भी स्क्रीन ले लेंगे आप लोग इसका भी स्क्रीन ले लेंगे जी, चलिए आगे देख लेते हैं टिल द गोल्ड फिंच कम्स। जब तक गोल्ड फिंच पक्षी नहीं आ जाता है ट्विचिंग चोप यानी कि पंखों को फड़फड़ाते हुए चीची की आवाज करते हुए ब्रांच इंड और एक अजीब सी सनसनी एक अचरज एक अचंभा वहां पे, अचंभे के साथ वो पक्षी आता है एट अ ब्रांच इंड पेड़ की शाखा के अंत की ओर है ना ब्रांचिंग यानी कि जो शाखा का अंतिम भाग होता है उसकी ओर से वो आता है छिपकली एंड अलर्ट और एकदम चौकन्ना हो करके एंड एब्रप्ट और एकदम अचानक थिकनेस वो थिकनेस यानी कि जो उसका झुरमुट होता है शाखाओं का जो झुरमुट होता है यानी कि उसका घोसला वो उसकी ओर प्रवेश करती है एंड अशीन स्टार्टअप और एक मशीन जो है वो शुरू हो जाता है फड़फड़ाहट की एंड की, ट्रिलिंग्स और उनके स्वर कंपन की ये जो मशीन होती है ये इनकी होती है और ये यहाँ पे बात किसकी हो रही है उस घोसले में उस थिकनेस में मौजूद जो इसके बच्चे होते हैं गोल्ड फिंच के उनकी बात हो रही है वो अपनी माता को देखती है तो शीशी की आवाज करने लगती है पंखों को फड़फड़ाने लगती है और वहां पे स्वर कंपन होने लगता है द होल ट्री और जो पूरा का पूरा का वृक्ष है वो कांपने लगता है एंड थ्रिल्स और गूंजने लगता है इट इज द इंजन ऑफ अर फैमिली और ये जो पेड़ है ये इंजन है है ना वो इंजन है इनके परिवार के लिए गोल्ड फिंच के परिवार के लिए इंजन है शी शीर्ष इट फुल और वो इनको पूरा

बाहर आ जाती है हु इज शी इन ये जो उपरोक्त आपने दीटें पढ़ा उसमें शी कौन है तो यहाँ पे सिर्फ तीन लोगों की ही बात हुई है एक तो पेड़ की गोल्ड फिंच की और उनके बच्चों की तो यहाँ पे शी यूज हुआ है गोल्ड फिंच जो बर्ड है उनके लिए तो आपको बताना है शी इज द मदर गोल्ड फिंच कि ये जो मदर गोल्ड फिंच थी जो अपने बच्चों को खाना खिला रही थी उनके लिए यूज हुआ है शी इंटर्स द थिकनेस ऑफ ट्री और वो घोसले में यानी कि झुरमुटों में जो घना झुरमुट होता है वहां पर प्रवेश करती हूँ वॉट रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट मशीन यहाँ पे किसको रेफर किया गया है गोल्डन गोल्ड फिंच यहाँ पे जो गोल्ड फिंच बर्ड है उसके उसका जो घोसला है उसको यहाँ पे मशीन रेफर किया गया है जहाँ पे बच्चे रहते हैं और वो आवाज करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मशीन चालू हो गई है ना ऐसा वाला है ंग वंस आर स्टेइंग जहां पर उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो रह रहे थे इट इज कॉल्ड अ मशीन मेटाफ्रिकली और ये लाक्षणिक रूप से इसको मशीन कहा गया है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम दैक्ट विच इज सिनि ऑफ एंटायर आपको इंटायर का सिनोनिम बताना है यानी कि पर्यवाची शब्द बताना है समानार्थी शब्द बताना है इसका एंटायर का एंटायर का मतलब क्या होता है पूरा संपूर्ण तो आपने क्या पढ़ा था होल होल आपने पढ़ा था जी हाँ होल का मतलब होता है संपूर्ण ठीक है तो यहां पे ये हो गया अगला क्वेश्चन है विच टू साउंड्स डोमिनेट इन द एक्सट्रैक्ट कौन से दो साउंड हैं जो इस एक्सट्रैक्ट में इस पोएम में इस स्टैंजा में हावी रहे हैं तो कौन से दो साउंड थे द टू साउंड्स दैट स्ट्राइक अवर इयर्स आर द चिटरिंग एंड ट्रिलिंग ऑफ द मदर एंड बेबी बर्ड्स तो जो मदर और बेबी बर्ड्स की जो चिटरिंग थी है ना चिटरिंग थी जो चीची की आवाज थी एंड ट्रिलिंग थी और जो पंखों की फड़फड़ाहट थी तो यही दो मुख्य आवाज थी जो कि इस पूरे poem में हावी थी जी हाँ। व्हिच हु वियर्स द बेयर्ड फेस मास्क किसने वियर्ड फेस मास्क पहन रखे हैं तो किसने पहन रखे हैं द बर्ड गोल्डफिंच वियर्स द बेयर्ड फेस मास्क इन द तो भैया जो पक्षी है जो गोल्ड फिंच बर्ड है उसी ने तो ये मास्क पहन रखा है जो कि उसकी पहचान का हिस्सा है Then with delicate whistle chirp, फिर एक विचित्र सा delicate, सुकुमार है ना यानी कि एकदम नाजुक तरीके से विशल चर्प विशल का मतलब होता है सीटी बजाते हुए चर्प करते हुए यानी कि चींची की आवाज करते हुए चहचहाते हुए विस्परिंग यानी कि फुसफुसाते हुए शी अवे वो उड़ जाती है टूवर्ड्स द इनफाइनाइट यानी कि अनंत की ओर यानी कि आकाश की ओर वो उड़ जाती है एंड द लेबरनम सबसाइड टू इम्पटी और जो हमारा अमलतास का पेड़ है वो वापस से पुनः जो है क्या होता है शांत और स्थिर हो जाता है शांत और स्थिर हो जाता है इससे आपको क्वेश्चन करने हैं वाट डज लॉन्चेज मीन इन द एक्सट्रैक्ट लॉन्चेज का मतलब एक्सट्रैक्ट में क्या है तो लॉन्चेज का मतलब क्या है कि वो जो बर्ड होती है वो लॉन्चेस अवे कि वो उड़ जाती है तो यहाँ पे लॉन्चेस का मतलब को खाना खिला देती है, करा देती है तो उसके बाद में वो उड़ जाती है तो यही मतलब था वाट इफेक्ट डास्ट लाइन क्रिएट जो आखिरी पंक्ति है वो क्या प्रभाव डालती है द लास्ट लाइन क्रिएट दास्ट बिटवीन द लिवलीनेस ऑफ दी वेन दोल्ड फिंच इज देयर एंड इट साइलेंस वेन द गोल्ड फिंच तो ये कंट्रास्ट है ना ये विरोध दिखाती है कि कैसे दो विरोधी चीजें हैं कि कैसे जब पक्षी आती है तो ये पेड़ पेड़ कैसे जीवन उठता है और जैसे ही ये पक्षी उड़ जाती है ये पेड़ फिर से वापस से उबाऊ हो जाता है नीरस हो जाता है और ये फिर से वापस से शांत और स्थिर हो जाता है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन द सेम एज स्ट्रेंज

वो अनंत की ओर यानी कि आकाश की ओर उड़ जाती है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आंसर थे जो कि आपके एक्सट्रैक्ट से बेस्ड थे और अगर इस स्टेंजा को इस पोएम को आपने अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा आसान हो जाते हैं तो आपकी ये पोएम खत्म होती है उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा सेंट्रल आइडिया भी आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा समझ लिया होगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी आपने देख लिए होंगे तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत